चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके उत्तराखंड प्रदेश में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में आपके हरिद्वार लोकसभा की सीट व इससे लगी अन्य लोकसभा की सीटों से भी चुनाव लड़ रहे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी वे अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही, खासकर यहाँ अपने गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अकलियतों के बलबूते पर ही ये चुनाव लड़ रही है। जो इनमें से पार्टी से जुड़े ये लोग अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में पूरे जी जान से लगे हुए हैं। हालांकि आज आपकी यहाँ इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जोश को भी देखकर अब मुझे ये काफ़ी हद तक भरोसा हो गया है। खास तौर से कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर मुझे ये काफ़ी हद तक भरोसा हो गया है कि इस बार आप लोग चुनाव में यहाँ अपने प्रदेश से अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता या कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी खासकर दलित, आदिवासी व पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में भी रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफ़ी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों और अब पिछले कुछ वर्षों से साथ ही इनकी भी ज़्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफ़ी अंतर होने की वजह से ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से आने वाली नहीं है। इस बार भी ये भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी के लोग केंद्र की सत्ता में आसानी से आने वाले नहीं हैं, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफ़ी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों
हवा हवाई व कागजी गारंटी भी दी है, काफ़ी कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक भी उन्होंने लगभग एक चौथाई हिस्सा कार्य भी नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज़्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज़्यादा से ज़्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने आदि में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा बॉम्ब की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज़्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में आपसे लगा हुआ स्टेट है यूपी, जबकि यूपी में चार बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। और आप लोगों को ये मालूम है कि जब पहली बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी थी तो उस समय उत्तराखंड अलग से स्टेट नहीं बना था, उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था, तो तब उस समय पहली बार मेरे नेतृत्व में बनी सरकार ने तो आपके उत्तराखंड में यूपी के साथ साथ आपके उत्तराखंड में जो यूपी का हिस्सा होता था उस समय, तो यहाँ की जो ज़रूरतें थी, यहाँ के गरीब और मजलूमों की जो ज़रूरतें थी, ख़ास तौर से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की जो ज़रूरतें थी, उसको हमने काफ़ी हद तक पूरा किया। हमने वर्तमान बीजेपी की सरकार की तरह या पूर्व में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरह तो यहाँ के लोगों की उपेक्षा नहीं की, बल्कि लोगों के हित को ध्यान में रखकर प्राथमिकता देते हुए, तो उस समय हमारी पार्टी की सरकार ने यहाँ ऐसा कोई भी कार्य नहीं होने दिया जिससे यहाँ की जो प्रकृति है तो उसके साथ खिलवाड़ किया जा सके, जैसा कि अब हो रहा है। आपके उत्तराखंड में प्रकृति के साथ तो बहुत खिलवाड़ हो रहा है, आए दिन इधर जमीन खिसकती रहती है, बहुत बुरा हाल है। और इतना ही नहीं, आप लोगों को ये मालूम है कि जो बरसों से आपके हल्द्वानी में जो बरसों से चाहे वो सरकारी जगह भी थी, हम मान लेते हैं उनकी बात, जो बरसों से लोग उधर खास तौर से मुस्लिम भाई हमारे वहाँ पर बसे हुए थे, तो उनको अलग करना ही था तो पहले उनके लिए अलग से रिहाइश की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। खास तौर से वीकर सेक्शन माइनॉरिटीज़ के साथ काफ़ी यहाँ पर सोतेला रवैया अपनाया जा रहा है, लेकिन जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा होता था तो हमने यहाँ पर यहाँ के लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर हमने कई ज़िले बनाए, तहसील बनाए, ब्लॉक बनाए और मैदान का काफ़ी खाद्य सामग्री हमने आपके पहाड़ी क्षेत्र को दी थी, जो अब आप लोगों को होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेस की सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी हीन सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में
वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण तो अब काफ़ी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज़्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा सचर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफ़ी हद तक बंद सा हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म की आड़ में हो रही जुर्म जाति भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यह विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान हैं। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक कम नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं अभी तक भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं, ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को भी आप लोग काफ़ी आजमा चुके हैं। और अब ये विरोधी पार्टियां किस्म के सबके साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों की विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज़्यादातर अमल में नहीं लाती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है, यही खास वजह है कि हमारी पार्टी
किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में पार्टी के बिना जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफ़ी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफ़ी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवा हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है तो उससे इनका अस्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है, और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफ़ी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफ़ी ज़्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है तो इसे भी फिर जरूर रोका जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए इनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य ज़रूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है, और अब इन्हें ऐसे सभी विरोधी पार्टियों को केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफ़ी अंतर रहा है और जिन्हें ये लोग वर्षों से अजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी के सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, व्यापार कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हर वर्ग के लोगों का, चाहे वीकर सेक्शन के लोग हैं या अपर कास्ट समाज के लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, सबके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज,
श्री नारायण गुरु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी के लिए सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब पार्टी और मूवमेंट के हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने आपकी हरिद्वार लोकसभा की सीट व इससे लगी अन्य लोकसभा की सीटों से भी जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके सामने मंच पर मौजूद भी है, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के केंद्रीय एवं स्टेट के कोऑर्डिनेटर तथा स्टेट अध्यक्ष व स्टेट की पूरी कमेटी व यहाँ के अन्य सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी व हमारे विधायकगण भी पूरे जी जान से लगे हैं। और अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ अपनी पार्टी के सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अपनी पार्टी का जो हाथी चुनाव चिन्ह है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर कामयाब बनाना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत।